हिडिंबा देवी मंदिर मनाली में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक अभिलेख के अनुसार यह मंदिर का निर्माण राजा बहादुर सिंह ने 1553 ईस्वी में करवाया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं हिडिंबा माता आखिर थी कौन। तो लोक कथाओं के अनुसार माने तो हिडिंबा एक राक्षसनी थी और उनका भाई हिडिंब का राज मनाली के आसपास के पूरे इलाके में था। हिडिंबा ने महाभारत काल में पांचों पांडवों में सबसे बलशाली भीम से शादी की थी। हिडिंबा ने पढ़ लिया था कि उसका भाई हिडिंब को युद्ध में जो मात देगा उससे वो शादी करेंगे। लेकिन अब यह बात आती है हिडिंब और भीम के युद्ध कैसे हुए। तो आपको बता दो महाभारत काल में पांडव अपने पांचों भाई के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे, वहीं पे भीम और हिडम की लड़ाई युद्ध हुई और जिसमें हिडम की हार हुई और भीम की जीत। लेकिन दोस्तों अब बात आती है हिडिंबा जब राक्षसनी थी तो फिर वो पूजनीय क्यों हो गई। तो चलिए आपको बताता हूँ। हिडिंबा अपनी दानवता और राक्षसी पहचान मिटाने के लिए एक चट्टान पर बैठकर कठिन तपस्या करती रही। कई वर्षों ध्यान के बाद उनकी प्रार्थना सफल हुई और उन्हें देवी होने का गौरव प्राप्त हुआ। और दोस्तों हिडिंबा देवी की तपस्या और उनके ध्यान के सम्मान में इसी चट्टान के ऊपर इस मंदिर का निर्माण 1553 में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था, जिसे आज हम हिडिंबा माता टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो कि अभी मनाली में स्थित है। तो चलिए आज आपको लाइव वहां दर्शन कराता हूं और मैं खुद जाता हूं वहां दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं। हे नमस्ते इंडिया, तो गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ और जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ मंदिर के लिए। तैयार हो गया, बाकी काफ़ी ठंड लग रही थी, फिर भी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और जा रहा हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ रास्ते में हिडिंबा टेम्पल ही थी, इसी रास्ते से जाना होता है तो मेरी कैब भी आ चुकी थी। तो अभी हम निकल गए हैं मंदिर के लिए, तो चलिए चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों मंदिर में एंटर करने के लिए आपको बहुत सारे चट्टानों को पार करके ऊपर जाना होता है, क्योंकि ये मंदिर चारों तरफ से जंगल में घिरा हुआ, ऊपर चट्टान पे है जहाँ की हिडिंबा तपस्या करती थी, उसे वहाँ पे इस मंदिर को बनाया गया है। तो अभी फटाफट चलते हैं क्योंकि काफ़ी ऊपर जानी है लंबा, जैसे कि देख रहे हैं सामने से पब्लिक आ भी रही है। एंड चलता हूँ तो आगे। और एंड दोस्तों फाइनली ऊपर जाने के बाद थोड़ी मुझे दिखी ये खूबसूरत सी प्रिया, जो कि यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के फोटोशूट करवा रही थी, एज अ टूरिस्ट थी ये। आप चाहें तो रेंट पे लेके ऐसे कपड़े फोटोशूट करवा सकती है, बहुत आपको प्यारा खूबसूरत सा अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी लगी। एंड फाइनली मैं थोड़ी आगे ऊपर गया तो मुझे मिला ये केसर, बहुत खुशबू इसकी अच्छी थी। एंड आप चाहें तो यहाँ से ये केसर ला सकते हैं, यहाँ पर एकदम नेचुरल केसर मिलता है जो कि आपको बहुत सारे खाने की खुशबू बढ़ा सकती है। एंड फाइनली दोस्तों बहुत चलने के बाद एंड काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हम फाइनली मंदिर में पहुंच गए। तो मैं ऊपर की तरफ जाने लगा लेकिन वहां पे काफ़ी सारे क्राउड थी। एंड मैं बताऊं ऊपर जाके देखा तो मुझे बहुत सुकून मिली। एंड आपको दोस्तों बता तो बहुत लंबी लाइन भी लगी हुई थी। एंड ऑलरेडी मैंने थोड़ी बहुत खाना खा लिया था तो मैं मंदिर में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैंने खा लिया था तो मैं बाहर से ही पूजा वगैरह कर लिया। मुझे बहुत दुखी हुई इस बात से। एंड फिर पूजा करने के बाद मैं वापस रिटर्न आ गया। एंड दोस्तों बता दो नीचे आने के बाद ये चटपटा सी पानी पूरी देखने के बाद मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख सका। एंड मैंने ये पानी पूरी लेके टेस्ट किया तो टेस्ट काफ़ी हद तक मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड गाइस आपको बता दो खाने के बाद मैं आगे के टूर पे निकल गया। एंड हमारी टूर अभी बहुत दिन चलने वाली है मनाली में, तो हमारे चैनल कर ले सब्सक्राइब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं चाहता हूँ शॉर्ट शॉर्ट देख के आपको इंटरटेन करता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हुए। तो मैं निकल गया आगे की तरफ एंड नेक्स्ट स्टोरी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद।